फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत शानदार लेसन जहाँ अक्सर लर्नर कंफ्यूज करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं नाइदर ना या आइदर अ, नॉट ओनली बट ऑल्सो और बोथ एंड के बारे में वो बात बताऊंगा जो आमतौर पर लोग नहीं जानते या अक्सर यहाँ गलती कर बैठते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो और बोथ एंड का एक सेंटेंस में सही पोजीशन क्या है, क्योंकि अगर आप इन्हें गलत पोजीशन पे लिखते हैं तो आपके सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाएंगे। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने तीन एग्जांपल्स लिखा हुआ है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सही है या गलत, और अगर ये गलत है तो क्या गलत है? तो आइए फ्रेंड्स इस कंसेप्ट को समझें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए फ्रेंड्स सबसे पहले नाइदर नॉर के बारे में देखें। नाइदर नॉर को कितने लोग नीदर नॉर भी कहते हैं, जो कि सही है। तो आप चाहें तो इसे नाइदर नॉर या नीदर नॉर कह सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बताऊं कि ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि अगर आपने नाइदर का इस्तेमाल किसी नाउन के पहले किया है तो नॉर का भी इस्तेमाल नाउन के पहले ही करना होगा, या अगर आपने नाइदर का इस्तेमाल किसी वर्ब के पहले किया है तो फिर नॉर का इस्तेमाल भी आपको वर्ब के पहले ही करना होगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ नाइदर का इस्तेमाल वर्ब के पहले किया गया है, लेकिन यहाँ पर नॉर का इस्तेमाल एक नाउन के पहले किया गया है, इसीलिए ये सेंटेंस गलत है। क्योंकि अगर नाइदर का इस्तेमाल किसी वर्ब के पहले हुआ है तो नॉर का इस्तेमाल किसी वर्ब के पहले ही होगा, और अगर नाइदर का इस्तेमाल किसी नाउन के पहले हुआ है तो नॉर का इस्तेमाल किसी नाउन के पहले होना चाहिए। तो मैंने इस सेंटेंस को यहाँ पर करेक्ट करते हुए लिखा है, आई सॉ नाइदर रीता नॉर गीता। अब आप देख सकते हैं यहाँ नाइदर के बाद एक नाउन आया हुआ है और नॉर के बाद एक नाउन आया हुआ है, इसीलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप ये बात याद रखेंगे, अगर नाइदर के साथ एक नाउन है तो नॉर के साथ भी एक नाउन होनी चाहिए, अगर नाइदर के साथ एक वर्ब है तो नॉर के साथ भी एक वर्ब होनी चाहिए, अगर नाइदर के साथ कोई एग्जेक्टिव है तो नॉर के साथ भी कोई एग्जेक्टिव होनी चाहिए। आइए फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मैं ना खाया ना पिया। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको ट्रांसलेट किया है, आई नाइदर एट नॉर ड्रैंक, और ये सेंटेंस सही है, क्योंकि यहाँ नाइदर के बाद एक वर्ब आया हुआ है और नॉर के बाद भी एक वर्ब आया हुआ है, इसीलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता, नाइदर आई एट नॉर ड्रैंक, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात याद रखेंगे कि नाइदर के बाद जो हो, अगर वर्ब है तो नॉर के बाद वर्ब, अगर नाइदर के बाद नाउन है तो नॉर के बाद नाउन, अगर नाइदर के बाद एग्जेक्टिव है तो नॉर के बाद एग्जेक्टिव। आइए फ्रेंड्स अब आइदर आ के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, आइदर आ का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो दो में से कोई एक, या ये या वो। आइए फ्रेंड्स देखें कि एक सेंटेंस में इनका सही पोजीशन क्या है। वह या बीमार है या उदास, तो आप इसको ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, आइदर इल आर सैड। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ आइदर के साथ एक एग्जेक्टिव आया हुआ है, इसीलिए और के बाद एक एग्जेक्टिव आना चाहिए, क्योंकि रूल ये है, अगर आइदर के बाद कोई नाउन हो तो और के बाद भी नाउन आना चाहिए, अगर आइदर के बाद कोई एग्जेक्टिव है तो और के बाद भी कोई एग्जेक्टिव आनी चाहिए। या राधा या रेखा नाचेंगी, तो मैंने इसको ऐसे ट्रांसलेट किया है, आइदर राधा और रेखा विल डांस। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि आइदर के बाद मैंने एक नाउन लिखा है, तो मैंने आर के बाद भी एक नाउन लिखा है जो सही है। आप ऐसा ही करेंगे, अगर आइदर के साथ कोई नाउन जुड़ा है तो आर के साथ आप कोई नाउन ही लिखें, कुछ और नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाएंगे। आइए फ्रेंड्स नॉट ओनली बट ऑल्सो के बारे में जाने। नॉट ओनली बट ऑल्सो, फ्रेंड्स नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल हम न सिर्फ बल्कि के लिए करते हैं, जैसे आप न सिर्फ एक डॉक्टर हैं बल्कि एक इंजीनियर भी, मैं न सिर्फ एक टीचर हूँ बल्कि एक सिंगर भी। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल हम न सिर्फ बल्कि के लिए करते हैं। वह न सिर्फ भारत में पढ़ा बल्कि इंग्लैंड में भी। तो फ्रेंड्स मैंने इसको ट्रांसलेट किया है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें क्या गलत है? फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा, यहाँ नॉट ओनली के बाद एक प्रीपोजिशन आया है इन, उसके बाद एक नाउन आया हुआ है, लेकिन बट ऑल्सो के बाद डायरेक्ट एक नाउन आया हुआ है, इसीलिए ये सेंटेंस गलत है। जब नॉट ओनली के बाद एक प्रीपोजिशन आया है और नाउन, तो यहाँ भी बट ऑल्सो के बाद एक प्रीपोजिशन आना चाहिए, उसके बाद वो नाउन होगा।
जैसा कि अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ, He read not only in India but also in England. तो फ्रेंड्स आप ये बात याद रखेंगे कि अगर not only के बाद एक नाउन है तो आप but also के बाद एक नाउन लिखेंगे, लेकिन अगर not only के बाद कोई preposition है उसके बाद कोई नाउन है तो आप but also के बाद एक preposition लिखें, उसके बाद आप उस नाउन को लिखेंगे। आइए फ्रेंड्स एक एग्जांपल और देखते हैं। मैं न सिर्फ सुना बल्कि देखा भी। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, I not only heard but also saw। तो फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं कि not only के साथ मैंने लिखा है एक वर्ब जो है heard, इसीलिए but also के साथ भी एक वर्ब आनी चाहिए जो है saw। तुम न सिर्फ बेईमान हो बल्कि लालची भी। तो आप कहेंगे यू आर नॉट ऑनली डिसऑनेस्ट बट ऑल्सो ग्रीडी। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि नॉट ऑनली के साथ एक एग्जेक्टिव आया हुआ है, इसीलिए मैंने बट ऑल्सो के साथ एक एग्जेक्टिव लिखा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह बात समझ में आई। फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।